पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय क्षणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः श्री शंकरानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्रह ग्रासैक कर्मणे। ओम शांति शांति शांति। प्रमिला माता जी आपका म्यूट नहीं है। तत्व विवेक प्रकरण है, इसमें अंतिम श्लोक अवशिष्ट है। जो ग्रंथ है पहला प्रकरण ग्रंथ है एक प्रकार से। आगे आओ महाराज, आगे आओ, आगे आइए ना, आगे इधर बैठे नहीं थे, इधर बैठे। हाँ, ग्रंथ हो गया पहला अधिकरण, पहला प्रकरण है ना। तो पहला प्रकरण है पंचभूत विवेक प्रकरण, ये क्या बोलते हैं तत्व विवेक प्रकरण। तत्व विवेक प्रकरण जो है ये हो गया ग्रंथ। साधक यदि उत्तम हो, साधन चतुष्टय से संपन्न हो जाए ठीक ठीक से, गुरु के प्रति श्रद्धा हो, शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो, संसार के प्रति कोई कामना न हो, लक्ष्य निर्धारित हो, तो एक ही प्रकरण ही ज्ञान कराने में समर्थ है, विवेक उनको हो जाएगा। इस ग्रंथ का जो अभ्यास करता है, अभ्यास क्या है मनन, अभ्यास क्या है मनन, मनन पूर्वक निध्यासन, यही अभ्यास है। आगे बताएंगे। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतत एक परंतम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। ये ब्रह्माभ्यास ग्रंथ का अभ्यास, केवल शब्द का अभ्यास नहीं करना है। शब्द का जो प्रतिपाद्य अर्थ है उसको अपने जीवन में लाना, यही अभ्यास होता है, यही अभ्यास होता है। तो अभ्यास का फल, अभ्यास का फल क्या है ज्ञान, अभ्यास का फल क्या है ज्ञान ही है, विवेक है। श्लोक चल रहा था, इत्थम तत्व विवेकम विधाय। इस प्रकार शास्त्र में जैसा बताया है, पांच कोश बताया नहीं, पंच कोश, अन्नमय कोश, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, ठीक है ना। ये सब उपाधि है, ये क्या है उपाधियाँ है, और उपाधि के धर्म, ये पंचकोश हो गए उपाधि, और उपाधि के धर्म ये सब दृश्य है, ये क्या है दृश्य है। मैं तो इसका साक्षी हूँ, मैं तो इसका साक्षी हूँ। साक्षी साक्ष्य से दृश्य से भिन्न होता है, भिन्न होता है, ठीक है। जैसे सर्प दृश्य का साक्षी आप हो, सर्प दृश्य का साक्षी आप हो, स्वप्न दृश्य का साक्षी आप हो, बस नहीं, ये पहले विवेक करना पड़ता है। हैं, दृश्य से दृष्टा साक्षी भिन्न होता है, ये व्याप्ति लगाओ, है ना। साक्षी दृश्य से भिन्न होता है, बात एक बात हो गई। पांच कोशों से मैं भिन्न हूँ क्योंकि दृश्य है, यही तो क्षेत्र क्षेत्र विभाग है, और क्या है क्षेत्र क्षेत्र विभाग का, यही तो है। जो भी दृश्य हो रहा है हैं, उससे मैं क्षेत्रज्ञ भिन्न हूँ, बात हो गई। तो जैसे आप घटपटादी से भिन्न हो,
इस प्रकार विचार किया जाए तो ये जो अन्नमय कोश है ये भी दिखता है, भास रहा है, दृश्य है, आप उसको जानते हो। तो क्या व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार करते समय क्या अनुभव होना चाहिए, है ना? कोई पूछेगा कि तुम कौन हो तो बोलोगे मैं साक्षी हूँ, बोलोगे? तो कहना ही पड़ेगा ना। कोई पूछेगा तो मैं लिखो यहाँ पर, वो व्यक्ति मेल है कि फीमेल है, तो क्या लिखोगे? मेल तो मेल लिखोगे, फीमेल तो फीमेल लिखोगे, है कि नहीं? तो ऐसा तो नहीं बोलते साक्षी में कोई मेल नहीं होता है, कोई फीमेल नहीं होता है, तो लोग सब पागल बोलेंगे। व्यवहार करते समय भी बोलते हो कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, है कि मेल हूँ, फीमेल हूँ, जो बोलना बोली, लेकिन अनुभव में क्या आना चाहिए? मैं तो अन्नमय कोष से भिन्न हूँ, ये मेल फीमेल आदि शरीर का धर्म है, मेरा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि अन्नमय कोष से मैं भिन्न हूँ। क्यों भिन्न है? क्योंकि मैं साक्षी हूँ अन्नमय कोष का, हो गया कि नहीं? हाँ, ये व्यवहार में विवेक करना पड़ेगा। कब विवेक करेंगे? पंचोदशी पढ़ते समय कि केवल व्यवहार में भी? व्यवहार में भी करना पड़ेगा, धन्यवाद। यही वेदांत का है, वेदांत की साधना यही है। वेदांत की साधना 24 घंटे की साधना होती है। ये लोगों में भ्रांत भी कराएंगे लोग आपको, अरे अभी भी पढ़ रहे हो 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र, अभी भी पंचोदशी पढ़ रहे हो, साधना कब करोगे? बोलते हैं ना। साधना क्या है? यही विवेक तो साधना, और क्या है? ठीक है, ये मनन करना पड़ता है। पहले शास्त्र से निर्धारित करो कि शास्त्र का तात्पर्य अद्वैत ब्रह्म में है। क्या है? वेदांत का तात्पर्य अद्वैत ब्रह्म में है, ये पहले निश्चय होना चाहिए। और इसी में आपके निश्चय में डावाडोल हो जाएगा, अरे वेदांत का तात्पर्य किस में है भाई? ये यदि आपको निश्चय ना हो तो आगे नहीं बढ़ सकते आप। एक सीढ़ी में पहले पाँव रखोगे तब तो दूसरी सीढ़ी में जाओगे। तो मनन कब करोगे? मनन तो श्रवण के बाद करोगे ना। तो श्रवण क्या है? सुनने का नाम नहीं। शास्त्र से निर्धारित कर लो, हैं, उपक्रम उपसंहार आदि के द्वारा, कि वेदांत का तात्पर्य तो अद्वैत ब्रह्म में है। शास्त्र क्या है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन। ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो ब्रह्म क्या हुआ? अद्वैत हुआ, ये पहले निश्चय होना चाहिए। वेदांत का तात्पर्य किसमें है? अद्वैत ब्रह्म में है, उसके साक्षात्कार से ही मुक्ति होती है। इसके साथ साथ लक्ष्य भी निर्धारित करो। क्या है? सबसे पहले तो आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ये है, हमारा लक्ष्य ये है। जैसे कोई जा रहा है कहीं बाहर, यात्रा में जा रहा है, कहाँ जा रहे हो? बोले पता नहीं। कहाँ जा रहे हो ये पता नहीं, तो वो क्या लक्ष्य निर्धारित ना हो तो क्या होगा उसका? कोई भी पुरुषार्थ वो नहीं कर सकते। इसी बगैर अपना एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। हमारा लक्ष्य तो क्या है? परमात्मा का साक्षात्कार, इस जन्म में कि अगले जन्म में? अगले जन्म में कौन सा होगा क्या पता? कहाँ पर जन्म होगा क्या पता? भारत में होगा कि जो है ना, स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग से भी गिरोगे, क्षीण पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, है कि नहीं? तो अन्न के माध्यम से आओगे, तो अन्न को कोई मुसलमान खा लेगा? तो अन्न के माध्यम से आओगे ना स्वर्ग से, अरे अन्न को कोई मुसलमान खा लेगा तो क्या बन जाओगे आप? करो साधना फिर। कठिन काम है, इसलिए अगला जन्म को क्यों जाना है? ठीक है, इसी जन्म में ही आप कर लो अपना कल्याण। ये लक्ष्य कहने का मतलब मैं क्या है? लक्ष्य सबसे पहले निर्धारित होना चाहिए। परमात्मा का साक्षात्कार इसी जन्म में ही हमको करना है, ये सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ा साधन है लक्ष्य का निर्धारण। जीवन लक्ष्य का निर्धारण पहले होना चाहिए, ओके ना? फिर वेदांत शास्त्र से निश्चय कर लो भाई, वेदांत का तात्पर्य क्या है? अद्वैत ब्रह्म में है, उसके ज्ञान से मुक्ति होती है। जैसे नारद जी ने कहा कि तरति शोकम आत्मविद, तरति शोकम आत्मविद, आत्मज्ञानी तर जाता, इसलिए आत्मज्ञान हो गया, तरने का उपाय ये पहले निर्धारित होना चाहिए। आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है कि नहीं? तो ये आपको निश्चय हो गया।
यदि प्रमेय में संशय हो तो विवेक करो भैया, मनन करो। ये मनन चल रहा है ना, ये क्या है मनन, इसलिए मनन भी करते जाओ। पहले बोलते अन्नमय कोश, अन्नमय कोश से मैं भिन्न हूँ क्योंकि मैं साक्षी हूँ, ओके ना। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ और भी उपाय करो साथे साथ। क्या साथे साथ? दृश्य की सत्ता, दृश्य की सत्ता दृक् की सत्ता से भिन्न नहीं है। हाँ, ये साथे साथ कर लो। लेकिन ये तो बहुत लोग कर लेते हैं कि मैं तो दृष्टा हूँ भाई, ये तो दृश्य है। कल इतने में नहीं रहना चाहिए। दृश्य की सत्ता दृक् की सत्ता से भिन्न नहीं है, है ना। क्षेत्रज्ञम तात्मा विद्धि सर्व क्षेत्र से भारत। लेकिन सभी क्षेत्रों में एक क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, तो क्षेत्र की सत्ता से क्षेत्र की सत्ता भिन्न नहीं होती है, इसलिए क्षेत्र मिथ्या है। क्षेत्र क्या है? मिथ्या है। मतलब कैसे अनुभव करोगे? अनुभव कैसे करोगे? इस अन्नमय कोह जो दिखाई दे रहा है ना, मेरी सत्ता से अतिरिक्त सत्ता इसकी नहीं है, ये पक्का निश्चय होना चाहिए। दिखता है लेकिन मेरे से भिन्न ये शरीर भी नहीं है, तो क्या शेष रहेगा? साक्षी ही सत्य, वो निर्विशेष हो गया। साक्ष्य है तो उसको साक्षी कहोगे। क्या कहोगे? साक्ष्य हो दृश्य की दृष्टि से उसको देखने वाला बोलते हैं, है? तो दिखने वाली चीज यदि देखने वाले से भिन्न नहीं है तो देखने वाला किसका होगा? दिखने की चीज यदि देखने वाले से भिन्न नहीं है तो देखने वाला किसको देखेगा? वो उसको देखने वाला भी नहीं कह सकते। इसका नाम होता है निर्विशेष। इसका नाम क्या है? निर्विशेष। शरीर मेरे से, शरीर भी मेरे से भिन्न नहीं है। ये साथे साथ अभ्यास करो। एक साथ नहीं होगा, धीरे 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 निश्चय नहीं होगा, धीरे धीरे अभ्यास करने से निश्चय हो जाएगा। तो अन्नमय कोष में जैसा आपने अभ्यास किया, बार बार करो। थोड़ी देर करेंगे व्यवहार में भूल जाएंगे, तो भूलने से नहीं होगा, भूलने से नहीं होगा, स्मरण करके फिर उसका अभ्यास करो, ठीक है? ठीक। इसी प्रकार जब आपकी बुद्धि जाती है, कहाँ पर जाती है? प्राण में जाती है, मन में जाती है, है ना, मन में जाती है ना। तो मैं जो है अहम मनता, मैं संकल्प विकल्प कर रहा हूँ, बोलते हैं ना। मैं थोड़ा सोच लेते, थोड़ा सा हम सोच लेते हैं मन से, बोलते कि नहीं। तो देखा जाए तो मन भी वहाँ पर दृश्य है, क्या है? लेकिन विवेक जब नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है, मन और अपने को मिला करके बोलते अहम, मैं संकल्प कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। तो उससे भी आपको अनुभव होना चाहिए, मैं तो मन से भी भिन्न हूँ, ये अनुभव होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है। इसी प्रकार मनोमय कोश में करो, प्राणमय कोश में करो, है कि नहीं? अहम प्राणी, मैं जिंदा हूँ, क्या मैं जिंदा हूँ, बोलते कि नहीं? किसको लेकर बोलते हो? प्राण को, नहीं नहीं प्राण को, इसको लेकर के, हाँ मैं मनुष्य हूँ, ये तो शरीर को लेकर के, स्थूल शरीर को लेकर, मैं जिंदा हूँ, मेरा जन्म हुआ है, किसको लेकर? प्राण को लेकर। प्राण, उसमें भी अनुभव करो, प्राण भी, प्राण का भी मैं साक्षी हूँ, प्राण की सत्ता मेरी सत्ता से भिन्न नहीं है, ये विवेक करना होगा। इस प्रकार प्राणमय कोश के साथ करो, बुद्धि के साथ करो। किसके साथ? बुद्धि, बुद्धि से मैं भिन्न हूँ, हाँ बुद्धि से भी मैं, मेरी सत्ता बुद्धि सत्ता से भिन्न है। इस प्रकार बुद्धिमय है ना, विज्ञानमय कोश बोलते हैं ना, जिसमें निश्चय होता है, निश्चय होता है। ये क्या है? बोलते ये पुस्तक है, तो निश्चय हो रहा कि नहीं? ये निश्चयात्मक वृत्ति किसकी होती है? बुद्धि की होती है। लेकिन ये जब विवेक नहीं कर पाते हो तो बुद्धि के धर्म को अपना धर्म मानते हो। आपकी बुद्धि नहीं समझ पा रही है तो बोले स्वामी जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बोलते कि नहीं? आप क्या बोले, दोबारा बोलिए। तो दोबारा बोलिए जो बोलते हो, क्यों कहते हैं आप? क्यों कहते हैं नहीं समझ में आया? तो नहीं समझ में आया कौन जान रहा है? मुझे समझ में नहीं आया बोलते, इसको कौन जान रहा है?
इसको कौन, आप जान रहे हो कि नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो बोलते हो। नहीं समझने को कौन समझ रहा है? आप समझ रहे हो, आप जानते हो। इसका मतलब तो नहीं समझना है बुद्धि का धर्म है, और समझना भी। हाँ स्वामी, आप मुझे सब समझ में आ रहा है। जिस समय बोलते हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो जो था है कि नहीं, और वही है अभी जो बोलता है कि मुझे समझ में आ रहा है। तब नहीं समझना कभी आप प्रकाशित करते हो, और समझने को भी आप प्रकाशित करते हो। ना समझने बुद्धि को भी, ना समझने वाली बुद्धि को भी जानते हो, और समझने वाली बुद्धि को भी जान। ये विचार करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। बार 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 अनुभव करो, अभ्यास करो, तो आपको निश्चय हो जाएगा कि मैं तो दोनों से भिन्न हूँ। ना समझने वाली बुद्धि का भी प्रकाश हो, साक्षी हो, और समझने वाली बुद्धि का भी मैं। इसी का नाम विज्ञानमय कोश। तो विवेक नहीं करते हो तो विज्ञानमय कोश आत्मा एक को मिलाकर व्यवहार करते हो। सत्य अनृत्य मिथुनी कृत्य अहम, सत्य हो गया शुद्ध आत्मा, मिथ्या है बुद्धि, बुद्धि का धर्म ये मिथ्या है। लेकिन दोनों को अविवेक से एक करके बोलते हो कि मैं समझ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब मुझे समझ में आ रहा है। आगे समझ में, ऐसा होता है। ठीक है, आए। सत्य और मिथ्या का सत्ता सत्ता तो एक ही है। सत्य और मिथ्या का भी सत्ता एक ही है। मिथ्या की सत्ता सत्य से भिन्न नहीं ना है, दोनों को मिलाकर बोल रहे हो ना। अनुभव करो, जैसे आप अनुभव करो भाई, यह सर्प बोलते कि नहीं? रस्सी में जो आपको सर्प का भ्रम हो रहा है, तो सर्प तो मिथ्या है। रस्सी के ज्ञान से सर्प का बाध हो जाता है, तो सर्प तो मिथ्या है कि नहीं? लेकिन जिस समय यह सर्प बोलते हो आप, तो यह अंश किसका है? उंगली दिखाते ना, यह सर्प है, यह किसका है? रस्सी का होता है। लेकिन जिस समय आपको भ्रांति हो रही है, तो उसमें विवेक होता है क्या? यह रसी का है, सर्प मिथ्या नहीं होता है। उस समय आप दोनों को मिला करके बोलते हो, रसी के रसी को और सर्प मिला करके यह सर्प बोलते हो आप। धर्म है कि नहीं है? आया समझ में, है कि नहीं? इसी प्रकार जागृत में आपको क्या करना है? जागृत में करना है कि जो है सत्य है, जैसे घट है बोलते कि नहीं? ये क्या है? अनुभव में लाओ। आप बोलते हो ना घटा है, बोलते कि नहीं? क्या है? घटा है। वही अविवेक से बोलते हो आप। जिसे आप सत्य समझते हो घट को, शास्त्र कहते हैं ब्रह्म से अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है, फिर हमको क्या अनुभव हो रहा है? ये भी सत्य है। तो घटा है तो सत्य तो कहाँ पर आ रहा है? घट में आ रहा है। लेकिन उसमें दोनों को मिलाकर बोलते हो, जैसे रसी और सर्प को मिला करके यह सर्प बोलते हो, इसी प्रकार ये पुस्तक है बोलते कि नहीं? ये मकान है। वो सत्य जो आत्मा है, ब्रह्म है, उसके साथ तादात्म्य करके एक करके बोलते हो कि ये घट है, पट है, मट है, जो कुछ भी। उसमें अनुभव क्या करना है? ये घटपटादि जो व्यवहारिक मानते हो, ये भी वास्तविक नहीं है, अपने अधिष्ठान ब्रह्म में कल्पित है। धर्म है कि नहीं? हाँ, जिसमें कल्पित है वो मेरी सत्ता है, वो मैं हूँ। ये तो आप परिच्छिन्न बुद्धि करते हो शरीर, और यही जो यही मैं हूँ, इसका मतलब आप वहाँ पर न हो, नहीं है, ऐसा लग रहा है ना? है कि नहीं? इसलिए सर्प जिसमें कल्पित है वो भिन्न है। हे भगवान, का विवेक कर लो, है कि नहीं? प्राणमय का कर लो, मनोमय का कर लो, विज्ञानमय का कर लो, और आनंदमय का कर लो। क्या है आनंदमय का? आनंदमय के साथ कैसे होता है अविवेक? बोलते हैं मैं नहीं जानता हूँ। क्या बोलते हैं? मैं नहीं जानता हूँ। ब्रह्मा को आप जानते हो, बोलते नहीं जानता हूँ। तो नहीं जानता हूँ मतलब अज्ञान के साथ एक करके बोलते हो कि मैं नहीं जानता हूँ। ये किसके साथ हो रहा है? आनंदमय कोश जो अज्ञान है,
उसके साथ एक करके आप बोलते हो, सुनते हो। और भी देखो, जिस समय लड्डू को आपने देख लिया, क्या है लड्डू को, लड्डू अकस्मात देख लिया मनपसंद लड्डू को, तब तो जो है स्तब्ध तो हो जाता है। क्या हो जाता है? ये मन मन का व्यापार एकदम स्तब्ध तो हो जाता है, सुनते हो। तो वहाँ पर प्रिय मोद आमोद जो वृत्ति होती है वो आनंदमय कोष से होता है। उस समय लगता है कि भाई यस मैं यही हूँ, है कि नहीं। जो मोद प्रमोद हाँ आमोद ये जो वृत्ति होती है ये तो आनंदमय कोष की वृत्ति होती है। वह उसी के धर्म को जो वृत्ति है आनंदमय कोष की, उसके धर्म को अपना धर्म माल करके बोलते हो। समझ में? ये अपना धर्म नहीं है, इसका धर्म है, ये तो आनंदमय कोष का धर्म अपना धर्म है, लेकिन उसमें सब एक करके बोलते हो। आनंदमय कोष और मैं एक करके बोलते हो, और दोनों को जो एक मान लिया आत्मा को आनंदमय कोष को, तो आनंदमय कोष का धर्म अपने में आता है। सुनते हैं, ठीक है ना। जैसे बोलते अहम सुखी, क्या है अहम सुखी जो बोलते हो, सुखाकार वृत्ति तो मन का है। सुखाकार वृत्ति क्या है? तो पहले अहम आत्मा और मन को एक करते हो, अहम, सुनते हो। फिर सुखाकार वृत्ति जो मन की है उसको अपना धर्म मान लेते हो, मैं सुखी हूँ। मैं कैसे हूँ? मैं सुखी हूँ। इसी प्रकार अहम दुखी बोलते हो, दुखाकार वृत्ति तो मन की होती है, लेकिन मन के साथ जब एक कर लेते हो, इसको धर्मी अध्यास आगे आएगा तो बताएंगे, क्या बोलेंगे, धर्मी अध्यास। दो धर्मी को एक मान लेने पर दूसरे धर्मी का धर्म अपने में आता है, सुनते हो। जैसे लोहा, लोहा जब बहुत गर्म होता है कि नहीं, तब आपको जिस समय ये भ्रांति होती है भी ये लोहा बहुत गर्म है, तो उष्णता किसकी होती है? उष्णता तो अग्नि की होती है हाँ, लेकिन लोहा बहुत गर्म बोलते हो उसमें भूल जाते हो भी ये अग्नि का धर्म है। तो अग्निगत जो उष्णता है वो लोहे में आरोप करते हो, लेकिन लोहा वही जला दिया, लोहा जला, लोहा क्या जलाएगा? जलाता तो जलाते अग्नि जलाती है, तो दाहकत्व तो धर्म अग्नि का होता है। अब वो धर्म कहाँ पर भासता है? लोहे में। इसको बोलते हैं धर्माध्यास। क्या बोलते हैं? धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? जो अध्यास अविवेक से हो रहा है उसकी निवृत्ति विवेक से होगी, और कोई उपाय तो है नहीं। जो अध्यास दूसरे के धर्म को अपना धर्म मान रहे हो अविवेक से हो रहा है कि नहीं, तो उसकी निवृत्ति किससे होगी? विवेक से होगी। किसे होगी? अरे साक्षी और पंचकोशों जो साक्ष्य दृश्य, उसका पहले विवेक होना चाहिए। मैं समस्त पंचकोश रूपी दृश्य से भिन्न हूँ, इसलिए मेरे में कोई भी धर्म नहीं है, विवेक हो गया। और साथ ही साथ क्या करना चाहिए? मेरी सत्ता से ना पंचकोश की अतिरिक्त है, ना पंचकोश धर्म की अतिरिक्त है, है ऐसा जब निश्चय हो जाएगा उसको बोलते हैं तम पदार्थ का शोधन। क्या बोलते हैं? तत्त्वमसि में तम पदार्थ, वही मैं हूँ, अहम पदार्थ का शोधन कह लो, अथवा तत्त्वमसि में तम पदार्थ का शोधन कह लो, यही विवेक होता है, ठीक है। हाँ, विवेक के बिना शोधन होता नहीं है, ठीक है। यही यहाँ पर संक्षेप से पंचदशी कार स्वामी वितरण मुनि कहते हैं, इत्थम तत्व विवेकम विधाय, हो गया ना भाई। शास्त्र में जैसा बताया तद अनुसार विवेक करके, जब विवेक कर देंगे तो निश्चय हो गया मेरा स्वरूप तो साक्षी है, धर्म है कि नहीं। तब फिर तब जा करके मन में ब्रह्माकार वृत्ति होती है, विवेक के बिना ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है, धर्म है। जिसने मनन पूर्वक विवेक नहीं किया है तो निध्यासंग नहीं पहुंच सकता वह जप, उसको बोलते हैं जप।
क्या बोलते हैं उसको, वो जप कर सकता, हम ब्रह्मास्मि का जप कर सकता, ओमकार का जप कर सकता है, जानना है कि नहीं। मन समाधाय, मन को उस परम तत्व में समाधान करके, अर्थात उस मन में ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास करके। अच्छा, ऐसा कौन करेगा? वही ज्ञानी करेगा, विवेक पूर्वक श्रवण किया, मनन किया, निध्यासन किया, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी, है ना। तब क्या होगा, वो व्यक्ति ज्ञानी विगलिता संस्कृति बंध, सारा जो संसार रूपी जो बंधन है, हैं, वो नष्ट हो जाएगा। बंधन तो संसार से होता है, संसारी बंधन बोल दिया, लेकिन केवल संसार बंधन ही समझना है। संसार में सत्यत्व बुद्धि होने पर बंधन होता है। क्या है? संसार में सत्यत्व बुद्धि होने पर बंधन होता है, कि नहीं? ऐसा होता है। जैसे प्लास्टिक से बना हुआ सर्प, प्लास्टिक से सर्प जैसा दिखने वाला, उसको यदि आपने सर्प समझ लिया तो आपको भय होगा, बराबर है कि नहीं? अरे जान लिया, अरे ये तो प्लास्टिक है, वो सर्प जैसा दिखने पर भी वो बंधन का हेतु नहीं बनता है। आगे ना राग होगा ना द्वेष होगा, ठीक है, जान लिया ना। ये राग द्वेष जो बंधन होता है उसका हेतु क्या है? सत्यत्व बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि। तो सत्यत्व बुद्धि न होने पर राग द्वेष रूपी बंधन नहीं होता है, इसलिए संसार बंधन का हेतु बनता नहीं, मिथ्या संसार बंधन का हेतु नहीं बनता है, हो गया ना। तो ऐसे संसार से वो जो निवृत्त हो गया, उसको बोलते हैं जीवन मुक्त। क्या बोलते हैं उसको? जीवन मुक्त कहते हैं। जब तक उसका प्रारब्ध होगा तब तक हमको शरीर दिखाई देता है, शरीर से व्यवहार करते हो, समझ में ना, ऐसा कहा गया। और प्रारब्ध के निवृत्ति होने पर संसार की निवृत्ति होगी। संसार ये क्या, शरीर अपने अपने उपादान में लीन हो गया, और ऐसा जो जीवन मुक्त महापुरुष विद्या मुक्ति को प्राप्त कर लिया, तस्य तावदेव चिरम यावत न विमुक्ष, उसकी विद्या मुक्ति में उतना ही विलंब होता है जब तक शरीर का लय नहीं होता है। जीवन मुक्त में कोई अंतर नहीं, जिस क्षण ज्ञान हो गया, चाहे ब्रह्मचर्य अवस्था में हो, चाहे जो है गृहस्थ अवस्था में हो, चाहे किसी भी अवस्था में हो, आम आशय परम ब्रह्म ज्ञान हो गया, उसी समय ही वो जीवन मुक्त हो जाता है। उसके ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि सबका स्वरूप आत्मा एक ही होता है, सबका स्वरूप आत्मा एक ही होता है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे राजा हो, चाहे फक्कड़ हो, सबका स्वरूप क्या होता है? जैसे सुषुप्ति में जाते हैं सबको समान सुख मिलता है क्यों भाई? इसी पर अगर ज्ञान हो जाएगा तो सबका ज्ञान समान ही होगा, कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा ये कहा ना पहले, कृष्णो भोगी, किसको याद है? कृष्णो भोगी सुखस्त्यागी नृपो जनक राघवो वशिष्ठ कर्मकर्ता च सर्वे च ज्ञानी न समान, सब ज्ञानी समान है, कोई अंतर नहीं होता है। भगवान कृष्ण कैसे हैं व्यवहार में? भोगी हैं, दूसरे को भोगी दिखाई देते हैं दूसरे को, फिर भी वो ज्ञानी है, उसके ज्ञान में कोई अंतर, उनको भी वही ज्ञान है, अहम अस्मि परम ब्रह्म, तन्मय। और सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? वो भी वही ज्ञानी है, उनको जैसा ज्ञान है उनको भी ऐसा ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान कह रहा हूँ, संसार का ज्ञान नहीं। भगवान कृष्ण को जो संसार का ज्ञान है ऐसा सुखदेव को तो नहीं है ना, लेकिन स्वरूप ज्ञान की बात कह रहा हूँ, उनको भी स्वरूप ज्ञान जैसा है भगवान कृष्ण को, मेरा स्वरूप तो सच्चिदानंद है, सुखदेव महाराज जी को वही ज्ञान है, अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों का स्वरूप एक ही सच्चिदानंद होता है, ऐसे में। और क्या है, नृपो जनक राघव हो, कहा चाहे भगवान राम हो एक ही नहीं, चाहे जनक जी हो, दोनों का ज्ञान कैसा है? राजा होते हुए भी एक ही है, दोनों ज्ञान अहम अस्मि परम ब्रह्म ज्ञान है, नहीं ऐसा होता है।
और कर्मकांडी लो, कर्मकांडी कौन है भैया? वशिष्ठ कर्म करता च। सब के सब ज्ञानी समान है, कोई अंतर नहीं होता है, सब मुक्त हो गया है कि नहीं? इसलिए विवेकी सर्वदा मुक्त, कुर्वतो नास्ति कर्तृता, अलेपवादम आश्रित्य श्री कृष्ण जनको जाता, ये भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण और जनक, उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है। लेकिन लोग बोलते हैं भाई जब तक शरीर है तब तक कर्ता भोक्ता तो होगा ही होगा। लोग बोलते हैं जब तक शरीर है वो कैसे मुक्त होगा? हैं भिक्षा कर रहे हैं है कि नहीं, बीमार पड़ने पर जो है दवाई ले रहे हैं, कोरोना के टीका ले रहे हैं, ये कैसे जीवन मुक्त है? ये जीवन मुक्त कैसे? विलक्षण जीवन मुक्ति है। बोलते हैं जीवन मुक्त क्यों नहीं होगा? हैं सर, तो शरीर में तादात्म्य रखे तब तो कर्ता भुक्ता होगा। इसलिए कहता विवेकी सर्वदा मुक्त, जिसको विवेक हो गया तो सर्वदा मुक्त ही रहता हो, पर कर्ता तो हो जाएगा भिक्षाटन आदि का व्यवहार का। बोलते नहीं, कुर्वतो नास्ति कर्तृता, दूसरे के लिए करते हुए दिखने पर भी वो कर्ता नहीं है। मैंने ये कुर्वतो कर्म करते हुए भी उसमें कोई कर्तृत्व नहीं होता, इसी का नाम होता है अलेपवाद। क्या है ये? वेदांत से अलेप होता है, क्या होता है? हैं संसार से अलिप्त होकर के व्यवहार करता है ज्ञानी, कोई अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है स्वरूप में, है ना? ऐसा जैसे श्री कृष्ण हो गया ऐसे जनक जी हो गया ना, तो प्रारब्ध समाप्त हो जाने पर वो विद्या मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। किसको? विद्या मुक्ति प्राप्त कर लेता है। परम पदम नरह, नर बोल दिया कि ज्ञान का अधिकार मनुष्य में प्रायश मुख्य रूप से ज्ञान का अधिकार मनुष्य को होता है, दूसरे को देवताओं को भी होता है लेकिन प्राय देवता को भी नहीं हो पाता है, क्यों? वैराग्य नहीं हो पाता है ना, और अन्य जोनि में तो ज्ञान होता नहीं। न चिरात, कोई विलम्ब नहीं होता है परम पद। परम पद क्या है? अपना स्वरूप, अपने स्वरूप में है जी 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 टीका देख लो पूरी कर लें इसको। नरः, श्लोक में जा नरः इत्थम उक्तेना प्रकारेणा, श्लोक में जो आया इत्थम मतलब इस प्रकार से, शास्त्र में जैसा बताया उस प्रकार से विवेक करेंगे तब जाकर के आपको विवेक होगा। मनमानी ढंग से करेंगे तो विवेक नहीं होगा, फंस जाओगे, है ना? तत्व विवेकम का अर्थ देखो भाई, तत्व से विवेक, तत्व विवेक, तत्व क्या है? ब्रह्मात्मकत्व लक्षणस्य, ब्रह्मात्मा एकत्व, जीव और ईश्वर के स्वरूप में एकत्व है, यही हो गया तत्व। वेदांत का प्रतिपाद्य विषय यही होता है, जीव ब्रह्म का एकत्व होता है। उपक्रम उपसंहार आदि के द्वारा शास्त्र के तात्पर्य का निर्धारण किया जाता है। कहीं थोड़ा सा लिखा हो तो नहीं समझना है, ये शास्त्र का तात्पर्य पूरा समझना पड़ता है, आदि से लेकर के अंतिम तक शास्त्र का श्रवण करोगे तब जाकर के शास्त्र का निर्धारण किया जाता है, ठीक है? नहीं तो शून्यवाद की तरह असहदेव सौम्य एकदम अग्र आसित, बस इतना कुल लिया है कि नहीं? हाँ, असतः सत कुत जाए थे, असत से सत की उत्पत्ति कैसे होगी उसको नहीं लिया। ऐसे अणुभाष्य वाले अणु और अणिया बस इतने को लेंगे, वो आत्मा अणु से अणु इसलिए आत्मा अणु है, लेकिन आगे छोड़ दिया महत्वमय, ऐसे नहीं होता है। आदि से लेकर के अंतिम पर्यंत श्रवण करेंगे उपक्रम उपसंहार आदि के द्वारा तब जा करके शास्त्र के तात्पर्य का निर्धारण होता है, ठीक है? इसलिए बोलते हैं ब्रह्मात्मकत्व ये होगा शास्त्र का प्रतिपाद्य वस्तु, यही तत्व है, है ना? उसका विवेक करना है। विवेकम मतलब कोश पंचक का विवेचनम, पांच कोशों से विवेक करना है।
विधाया का अर्थ कृत्वा, श्लोक में विधाया ना भाई, विवेक करके, पांच कोशों से आत्मा का विवेक करके, अद्वैत आत्मा का विवेक करके। देखो अद्वैत क्यों बोल रहे हैं, पांच कोशों का विवेक कर दिया तो आत्मा तो है ही सत्य, और पांच कोश भी सत्य होगा ऐसा नहीं है। विवेक के साथ साथ पांच कोश आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं। शास्त्र कहता है सर्वम खुले इदम आत्मेव इदम सर्वम, आत्मा एव इदम सर्वम। सर्प रसी है, क्यों? सर्प मिथ्या होने से रसी ही सर्प है। सर्प भी सत्य होता है, रसी भी सत्य होती है, रसी सत्य तो है ही है। सर्प भी सत्य होता तो सर्प रसी रूप नहीं होगा, सर्प रज्जु रूप इसलिए है कि सर्प मिथ्या है, धन में कि नहीं, इसलिए सर्प रजुरेव। सर्प मिथ्या होने से रसी के ज्ञान से सर्प का बाध हो जाता है, इसलिए सर्प रज्जु रूप है, ये समझना पड़ता है। जगत मिथ्या है इसलिए आत्मा के ज्ञान से जगत का बाधा संभव है, और इसलिए जगत आत्म रूप है, ये समझना पड़ता है, धर्म है ना। इसलिए पंच कोश आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, इसलिए आत्मज्ञान से पंच कोशों का बाध संभव है। मुक्ति ज्ञान से इसलिए संभव है कि संसार सत्य नहीं है, धर्म है। तस्मिन् तत्वे, उसी परम तत्व में विधिवत कह दिया श्लोक में भैया। विधिवत क्या है? विधिवत का अर्थ होता है शास्त्रोक्त प्रकारेण, शास्त्र में जैसा प्रकार विचार करने के जो प्रकार बताए है, उपाय है। उपाय से ही मन को लगाना पड़ता है, उपाय न तो निघण्यात विक्षिप्तम काम भोगयो हो, कहने मांडुक्य में मन को समाधान कैसे करना है, मन तो बड़ा चंचल है। तो मांडुक्यकार, मांडुक्यकारिकाकार कहते हैं उपाय न तो निघण्यात विक्षिप्तम काम भोगयो, उपाय से मन को निग्रह कर सकते हो, उपाय से, ठीक है। एक तो बोल दिया वैराग्य से, दूसरा है ज्ञान का अभ्यास से। क्या है पहले क्या होना चाहिए, ज्ञान का अभ्यास पहले करना है कि वैराग्य का अभ्यास पहले करना है? पहले क्या करना है? ज्ञान का अभ्यास तब करोगे संसार से यदि आपको वैराग्य होगा तो। सबसे पहले वैराग्य का अभ्यास करना होता है विवेक पूर्वक, तब जा करके ज्ञान होगा, ऐसे ज्ञान नहीं होता है, वैराग्य के बिना ज्ञान होता नहीं। धन में सामान्य रूप से पहले ज्ञान, सामान्य रूप से ज्ञान ये वैराग्य का हेतु है। वैराग्य का हेतु क्या है? सामान्य रूप से ज्ञान, आत्मा ही नित्य है, संसार तो है अनित्य, धन में कि नहीं, संसार तो है अनित्य भाई, अनित्य से फिर नित्य सुख कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल सकता है। इसलिए ब्रह्मलोक पर्यंत यदि आपको वैराग्य हो गया, ब्रह्मलोक पर्यंत सुख कैसा है? सातिशय है और अनित्य है, तो दो प्रकार दोष होता है। ब्रह्मलोक पर्यंत जो सुख है वहाँ तक, यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत सुख है, उसमें दो दर्शन होना चाहिए, दो ठो क्या होना चाहिए? सातिशयत्व और अनित्यत्व। क्या है वो सुख? सातिशय है और अनित्य है, धर्म है ना, तब जाकर के वैराग्य होता है। वैराग्य हो गया तो मन नहीं जाएगा बाहर, नहीं दौड़ेगा मन, तब जाकर के मन लगता है ज्ञान के अभ्यास में, तो ज्ञान के अभ्यास में नहीं लगेगा। और लक्ष्य निर्धारित हो तो क्या है साथ ही साथ? हमारा लक्ष्य तो परमानंद सुख की प्राप्ति है, साक्षात्कार हमारा लक्ष्य है, धन्यवाद। नहीं तो फिर जो है पुस्तक खोलते ही बस निद्रा आ जाएगी, क्या पंचोदशी खुलते ही संसार से वैराग्य तो है, लेकिन आपने सोने से जो सुख, सोने में जो बड़ा सुख मिला है, क्यों भाई? प्रमाद से भी बड़ा सुख मिलता है कि नहीं है? मन में सुख का अनुभव हुआ है, इसलिए पुस्तक खोलते ही क्या आ जाएगा बोलो? संसार से वैराग्य होने पर ही बोल रहा हूँ मैं, संसार से वैराग्य होने पर भी आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है। हमारा लक्ष्य तो आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो आपका मन कहाँ जाएगा? विचार किया कि नहीं? पुस्तक खोलते ही झट से निद्रा आएगी कि नहीं आएगी?
लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए है कि नहीं। ये तो कहा ना भाई जो है, कश्चित धीर प्रत्येकात्मान इच्छत अमृत चक्षु आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन। नहीं, यदि अमृतत्व को प्राप्त करने की यदि तीव्र इच्छा हो जाए तो आपका मन निद्रा में जाएगा नहीं है कि नहीं। हाँ, इसलिए यही मन में एक बल मिलता है, लक्ष्य का निर्धारित निर्धारण होने पर मन में एक बल मिलता है, वो तो बल के बिना आत्मज्ञान नहीं होता है। ये नायम आत्मा बल ही नहीं लभ्य, कौन सा बल, एक ही मलय का बल है क्या? नहीं, मन मनोबल क्या है, मनोबल। लक्ष्य का निर्धारण होने पर जो कि मनोबल होता है वो बहुत बड़ा बल है, वो है ना। चलो ये भी समझ करके देखना चाहिए। मन समाधाय मतलब मन को स्थिर करके स्थिरीकृत्य विगलिता संस्कृति बंध है, जिसका बंधन है संसार बंधन समाप्त हो गया। इसका अर्थ लिखते हैं, अपरोक्ष ज्ञान निवृत्त संसार बंध सन, अपरोक्ष ज्ञान से संसार रूपी बंधन जिसकी निवृत्ति हो गई। धन्यवाद। किससे होगा संसार बंधन की निवृत्ति? अपरोक्ष ज्ञान से होगा, क्योंकि ये जो बंधन है ये परोक्ष नहीं अपरोक्ष है। क्या है? हाँ, लड्डू जो सामने दिखाई देता है ये क्या परोक्ष है कि अपरोक्ष है? क्या? हाँ, वो सपना का लड्डू नहीं कह रहा हूँ मैं, जागृत का लड्डू बोल रहा हूँ तो जागृत का लड्डू सत्य की मिथ्या है क्या? बोलो, जागृत सपना का लड्डू तो है मिथ्या है, लेकिन जो भंडारे का लड्डू वो कैसा है, वो कैसा है सत्य? हाँ, गाड़ी इसमें अटकती है, गाड़ी जो है ना इस स्टेशन में अटकती है कि भाई भंडारे का लड्डू जब मिल जाएगा तो फिर जो पंचोदशी को भूल जाएंगे आप, तो भूलने से नहीं होगा आपको स्मरण करना पड़ेगा। किसका स्मरण? अरे पंचोदशी हम सुने थे, क्या सुने थे भाई? जागृत का लड्डू भी भंडारे का लड्डू भी क्या है? उस समय स्मरण होना चाहिए। क्या बात विवेकी, तो उसी को कहा जाएगा जिसमें भोग आता है धीरे धीरे होता है, अभ्यास करने से होता है, धीरे धीरे होगा, है ना। चलो, निवृत्त संसार बंध। हाँ, कहना क्या था, यदि आपका भ्रम यदि अपरोक्ष है भाई तो परोक्ष ज्ञान से नहीं हटेगा, अपरोक्ष होना चाहिए। केवल सुनने मात्र से नहीं होगा, आपको अनुभव भी होना चाहिए कि हैं ये क्या है, ठीक है। चलो, परम पदम अपरोक्ष ज्ञान से संसारी बंध निवृत्त, निवृत्त कुछ नहीं, और जैसे घड़े को फोड़ दिया तो नष्ट, ऐसा नहीं करना है। जैसा संसार दिखाई दे रहा है दिखने दो, कोई आपत्ति, लेकिन है तो ये नित्य। बस संसार को निवृत्त करना, ऐसे भूकंप कर देना ऐसा नहीं भूकंप हो जाएगा तब भी संसार रहेगा, है ना। संसार की निवृत्ति मतलब क्या, ज्ञान से उसको बाध कर देना, बाधा बोलते हैं, है ना। तो अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न है ही नहीं, ऐसा निश्चय को बोलते हैं अपवादक हो अथवा बाधक हो। समझ में? सर्प अपने अधिष्ठान रस्सी से भिन्न है ही नहीं, ये निश्चय हो गया तो सर्प का नाश हुआ कि सर्प के बाद हो गया? सर्प का नाश नहीं, इसको बोले सर्प का बाद। आए समझ में? इसी प्रकार घट का नाश मतलब घट को फोड़ देना, और घट का बाद मतलब क्या, मिट्टी से घड़ा भिन्न है ही नहीं, ये बोध होना है। निश्चय, निश्चय शब्द नहीं, निश्चय होना चाहिए। ये हो गया घट का बाध, घट की निवृत्ति को अथवा तो घट का बाध को, नाश नहीं, नाश अलग चीज है, बाध ज्ञानी के लिए संसार निवृत्त मतलब क्या, बाध हो जाता है। क्या होता है? संसार का बाध हो जाता है, ठीक है, ये समझना चाहिए। तब क्या होगा भाई, ज्ञानी का स्वरूप परम पदम। परम पद क्या है जानते हैं? निरतिशय आनंद रूपम मोक्षम, परम पद मोक्ष ही और कुछ नहीं। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम, वही मेरा परम धाम, वही मेरा परम स्वरूप,
जिसको प्राप्त करने पर और कहीं निवृत्ति है, और कहीं प्रवृत्ति, और कहीं जन्म पुनरावर्तन नहीं होता है। ऐसे में उसकी प्राप्ति जब तक नहीं है तो वैसे पुनरावर्तन भी होता है। आ ब्रह्मा भुवनालोक का पुनरावर्तन और जन्म, ब्रह्मलोक से भी लौटना पड़ता है। वहाँ पर यदि ज्ञान नहीं हुआ तो ब्रह्मलोक में जाएंगे, वहाँ पर साक्षात्कार नहीं हुआ स्वरूप का, तो वहाँ से भी लौटना पड़ता है ना। तो निरति से आनंद, भाई यही मोक्ष है। देखो निरति से आनंद, सच्चित आनंद स्वरूप, वही तो मोक्ष और क्या है। और वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। ऐसा नहीं कि परमानंद भिन्न है और परमात्मा अलग, ऐसा नहीं। परमात्मा का स्वरूप ही सच्चिदानंद है। यदि मानेंगे भेद तो क्या हो जाएगा, धर्माधर्मी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमानंद धर्म हो जाएगा, परमात्मा क्या हो जाएगा, धर्मी हो जाएगा। तो क्या होगा फिर, वो विशिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमानंद धर्म हो गया तो परमात्मा धर्मी हो जाएगा। तो क्या भेद होगा, स्वगत भेद, उसको बोलते हैं स्वगत भेद। स्वगत भेद हो जाएगा तो शास्त्र से विरुद्ध हो जाएगा और मिथ्या हो जाएगा वो। तो बोलते एक अद्वितीय सदैव सम्य इदमग्रह आसित एक अद्वितीय, ठीक है नहीं, ऐसा होता है। ये परमानंद परमात्मा का स्वरूप है, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। अच्छा ऐसा जो मोक्ष है न चिरात अविलंबिना प्राप्त होती, कोई विलंब नहीं होता है। वो तो स्वरूप तो है ही, हो केवल अज्ञान के कारण उसकी अनुभूति नहीं हो रही थी। अपना स्वरूप तो सच्चिदानंद पहले से ही है, अज्ञान अवस्था में भी है, लेकिन अज्ञान रूपी आवरण से उसकी अनुभूति नहीं हो रही थी। और विक्षेप से हम अपने को विक्षिप्त समझ रहे थे, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ब्राह्मण हूँ, गृहस्थ हूँ, हम तमाम प्रकार नहीं। तो इसलिए बोलते हैं, देखो आगे तात्पर्य क्या है, उपसंहार है, सत्य ज्ञानानंद लक्षणम ब्रह्म। ये देखो ब्रह्म का स्वरूप क्या है भाई, सत्य ज्ञान और आनंद, ये स्वरूप है। ये सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये तीनों शब्द अलग अलग है और तीनों का अर्थ तो एक ही होता, अलग अलग नहीं होता है। ऐसे भी सत्य अलग होगा, ज्ञान अलग होगा, है कि नहीं। तो सत्य इसलिए बोलते हैं, कोई मिथ्या ना समझे, सर्वम शून्यम शून्यम, जगत मिथ्या है, शून्य है, तो ब्रह्म भी शून्य होगा। इसलिए उसको हम ब्रह्म को सत्य शब्द से बोल देते हैं, ठीक है। कोई जड़ ना समझे भैया, हैं, उस आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता होगा, मन का संबंध होने पर ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, और मन का संबंध नहीं होगा तो आत्मा जड़ हो जाएगा। आत्मा जड़ हो जाएगा, आत्मा जड़ होगा तो फिर जड़ता को कौन जानेगा। आत्मा जो जड़ हो जाएगा, बोलते मैं जड़ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आत्मा जड़ है, इसको कौन जान रहा है, मुझे मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ, इसको कौन जान रहा है। आप जान रहे हो ना, ये आपका स्वरूप क्या होगा, ज्ञान है। आत्मा कभी जड़ नहीं हो सकता है, जड़ता को कौन जानेगा भैया, है ना। ऐसा कोई ना समझे कि ज्ञान आत्मा का स्वरूप नहीं है, ज्ञान उसमें उत्पन्न होता हो, ये तार्किक लोग मानते हैं ज्ञान आदि कर्मात्मा। ऐसा कोई ना समझे इसलिए आत्मा को बोलते हैं ज्ञान, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञान बोलते प्रज्ञानम ब्रह्म कहते हैं, धर्म है कि नहीं। इसी प्रकार कोई आत्मा को आनंद रूप ना समझे, आनंद उसमें होता होगा, आनंद नामक कोई गुण होता होगा, ऐसा कोई ना समझे उसको इसलिए आनंद शब्द से बोल दिया जाता है। ये शब्द अलग अलग है लेकिन तीनों शब्द का अर्थ तो एक ही होता है, अलग अलग नहीं है। तो ये स्वरूप है, वो ज्ञानी ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म रूपी होता है कि नहीं। ये ज्ञान का फल होता है, ब्रह्म रूपता की प्राप्ति अनुभूति, प्राप्ति और कुछ नहीं, ब्रह्म रूपता की अनुभूति यही प्राप्ति है। ओम पूर्णमदः।